हेलो दोस्तों, मैं हूं DRX आशिक इलाही और आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल। आज हम रिव्यू करेंगे सिप्लोक्स आई ईयर ड्रॉप के ऊपर। इस ड्रॉप के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, डोज कैसे लेनी है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस ड्रॉप को यूज़ किया जाता है, तो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम सभी मेडिसिन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिप्लोक्स आई ईयर ड्रॉप सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 10 ml की इसकी एक छोटी सी ड्रॉप होती है। MRP इसका 12 रुपये होता है और इसके अंदर एक साल्ट होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। सिप्लोक्स आई ईयर एंटीबायोटिक ड्रॉप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। जैसे आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखें दुखन आ जाती है, आंखें चिपक जाती है, आंखें लाल हो जाती है, या फिर आंखों में धूल मिट्टी कचरा वगैरह गिर जाता है जिसकी वजह से आंखों में चुभन होने लगती है, तो ऐसे केसेस में सिप्लोक्स आई ईयर ड्रॉप यूज़ की जाती है। 2-4 बार के यूज़ करने से ही ये आंखों को बिल्कुल ठीक कर देती है। इसके अलावा आंखों में जलन होना, चुभन होना, आंखों में सूजन आना, ऐसी कंडीशन में भी इस ड्रॉप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है और ईयर इन्फेक्शन में भी इस ड्रॉप को ईजिली यूज़ करते हैं। ईयर इन्फेक्शन जैसे कान में फुंसी होना, जख्म होना, कान में दर्द होना, कान का बहना, अच्छे से सुनाई न देना, ऐसी कंडीशन में भी इस ड्रॉप का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब बात करते हैं डोज के बारे में। अडल्ट डोज की बात की जाए तो 2-2 बूंद एक दिन में 3-4 बार दे सकते हैं और बच्चे 1-1 बूंद 3-4 बार यूज कर सकते हैं। तो यह है इसकी सिंपल डोज। अब बात करेंगे प्रीकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस ड्रॉप को आप ओवरडोज में ना दें, मतलब कि जितनी डोज बताई जाती है उससे ऊपर ना दें, और किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो ये थे इसके कुछ प्रीकॉशंस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा बर्निंग हो सकता है। इस तरह का साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ सकता है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये थी सिप्लोक्स आई ईयर ड्रॉप से रिलेटेड कुछ जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।